वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। प्रणवौ पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन जासुरदयागार बसही राम सर चापधर। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। मंच पर स्थापित भगवान राघवेंद्र सरकार की चित्रमयी झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभ दास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए। अशांति इकट्ठी हो जाए तो दुर्भाग्य बन जाती है। हमारे परिवार के जीवन में जैसे जूते चप्पल उतार के घर में प्रवेश करते हैं, अशांति को बाहर उतार कर ही घर में आना चाहिए। शांति एक सृजन है और सृजन क्रिएशन करने के लिए खुद के प्रति निर्मम और दूसरों के प्रति उदार होना पड़ता है। शांति नमक और शक्कर की तरह है। जैसे भोजन में नमक और शक्कर न हो मीठे में तो उसका स्वाद नहीं है। हालांकि नमक और शक्कर अपने आप में भोजन नहीं है, पर इनके बिना भोजन भी स्वाद का नहीं है। ऐसे ही शांति जीवन में स्वाद का नाम है। तो चलिए आज इस विषय में कि चार कदम शांति की ओर हम भी बढ़ाएं। इस जीवन में मनुष्य के इस शरीर में शांति रहती कहां है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए विषय में चलें, इसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक महात्मा जी के पास एक बहुत ही धनाढ्य पढ़े लिखे व्यक्ति का आना जाना था। तो एक बार उस व्यक्ति ने जाके कहा, गुरुजी, मैं अशांति से बहुत परेशान हूं, मेरे भीतर इतनी रच बस गई है, समझ नहीं आता कैसे मुक्ति पाऊं,
आप कुछ करिए। तो गुरुजी ने कहा कि अगर अशांति तुम्हारे भीतर तुमको परेशान कर रही है तो चलो एक काम करो, मेरे पास ये डंडा रखा है, तुम कल आओ तो उस अशांति को लेते आना, दो चार डंडे लगाऊंगा, सुधर जाएगी, भाग जाएगी। आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अशांति को कहां से लाऊंगा, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा रखता था तो कह दिया ठीक है कल ढूंढ के लाता हूं, चला गया। दूसरे दिन जब आया तो गुरु ने कहा ले आए, तो उसने कहा और मुसीबत हो गई, आपने कहा शांति को ढूंढ के लाओ तो मैं भीतर उतरा, और भीतर जहां भी मुझे लगता था कि मैं अशांत हूं, जितना भीतर उतरते गया अशांति उतनी गायब हो गई, तो कहां से लाऊं, मिली नहीं लेकिन फिर भी अशांत हूं। तो गुरु ने कहा चलो ठीक है, अशांति तुम्हारे भीतर कहां रहती ये मालूम है? हाँ, बोले मन में रहती है। तो चलो कल मन को पकड़ लाना, मेरे पास ये डंडा रखा है, मन की ठुकाई कर दूंगा। वो आदमी फिर परेशान हुआ, लेकिन गुरु ने कहा था तो चला गया। और जब दूसरे दिन लौटा तो गुरु ने कहा ले आए, तो उसने कहा कहां से लाऊं, अपने भीतर जितना उतरता हूं मन उतना ही गायब हो जाता है। बस गुरु ने कहा बात समझ, मन को पकड़ने के होश का नाम ही मन का भाव है, और मन के गायब होना, मन के अभाव का नाम ही शांति है। चार कदम चलना पड़ेगा मेरे बेटे शांति की ओर, मिल जाएगी शांति। तो जो लोग शांति की खोज में हैं, वो चार कदम चलने की तैयारी रखें। देखिए, चार कदम चलेंगे बाहर और चार कदम चलेंगे सज्जनों देवियों हम थोड़ा सा भीतर। शांति की खोज में जो बाहर चार कदम चलना है, उन चार कदम के नाम हैं बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापा। ये शांति की खोज में बाहर के चार कदम हैं। और जिन्हें चार कदम भीतर उतर के शांति खोजना है, जो कि खोजना ही पड़ेगी, तो उसके लिए जो चार कदम भीतर के हैं, उन भीतर के चार कदम का नाम है शरीर, मन, हृदय और आत्मा। तो ऐसे हम आज चार कदम बाहर भी चलेंगे और साथ में चार कदम भीतर भी चलेंगे। और एक बात और समझ लें, अशांति जिन चार मार्गों से आती है संसार में, वो है पहला मार्ग संतान, दूसरा संपत्ति, तीसरा संसार और चौथा स्वास्थ्य। ये जो चार मार्ग है इनका संबंध इससे है, संतान बचपन शरीर, संपत्ति जवानी मन, तीसरा मार्ग संसार प्रौढ़ता हृदय, चौथा स्वास्थ्य बुढ़ापा आत्मा। तो इन चार कदम बाहर और चार कदम भीतर को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। आइए चलते हैं विषय की ओर। पहली बात करेंगे बचपन की। आना सबको है बचपन, जन्म के बाद। बचपन की विशेषता है उसकी सरलता, उसकी सहजता। बचपन से यदि सहजता और सरलता चली जाए तो बचपन किसी काम का नहीं होता। हालांकि आज हमने बचपन से इसी को छीन लिया है। अब कहां सहज और सरल लोग पैदा होते हैं? अब तो जो देखो वो आंका बांका नजर आ रहा है, और कभी कभी तो लगता है कि भगवान ने वो फरमा ही कहीं रख दिया और भूल गया जिसमें सहज और सरल लोग तैयार होकर पैदा किए जाते थे। लेकिन बचपन की सहजता सरलता को बचाइए। परमात्मा ने ये अवसर तभी से दिया है। आप देखिए, हिंदू धर्म में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है अवतार की व्यवस्था। वो है इसीलिए
कि परमात्मा अवतार इसी ले लेता है कि मनुष्य को ये बता सके कि मैं अवतार लेके मनुष्य बन जाता हूं। तो यदि मैं भगवान होके मनुष्य बन सकता हूं तो तुम मनुष्य होकर भगवान बन सकते हो, ये संभावना मैं तुम्हारे भीतर छोड़ रहा हूं। चलिए दो प्रसंग बताता हूं मैं आपको कि बचपन की तैयारी ठीक हो तो कौन क्या बन सकता है। विश्वा नाम के एक मुनि थे, उनका विवाह केकसी नाम की राक्षसी से हुआ। केकसी के पिता सुमाली ने विचार किया कि मेरी बेटी का विवाह यदि ऋषि से कराऊं तो हम राक्षस, वो ऋषि राक्षस कुल और ऋषि वंश की मिलीजुली संतान जो होगी उससे मैं विष्णु का नाश करूंगा, क्योंकि सुमाली को विष्णु से वैर था। संतान पैदा हुई, नाम था दशानन। और एक दिन उस दशानन ने अपनी मां से पूछा कि मां एक बात बताइए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 3 बजे पिता मुझे उठा लेते हैं और पिता मुझे डांटते हैं कि तेरी आंख में नींद क्यों है, तेरी भुजाएं बलिष्ठ क्यों है, तू ब्राह्मण का पुत्र है, क्या करता है तू देर रात तक। और मां सच तो यह है कि देर रात तक नाना मुझे सोने नहीं देते, मामा मुझे शस्त्र सिखाते हैं, प्रातः काल जल्दी पिताजी उठा लेते हैं, पिता कहते हैं संसार पाना है तो माध्यम शास्त्र है, नाना कहते हैं संसार चाहते हो तो माध्यम शस्त्र है, पिता कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है उसको त्याग दो, नाना कहते हैं जो दूसरों का है उसे लूट लो, हिंसा तेरा धर्म होना चाहिए, नाना सिखाते हैं, पिता कहते हैं प्रेम समर्पण अहिंसा पर तेरा धर्म होना चाहिए। तो सच क्या है मां, मुझे क्या बनाना चाहते हैं आप लोग और मैं भविष्य में क्या बनूंगा। तब मां केकसी ने अपने बेटे दशानन के सिर पे हाथ फेर कर कहा कि दशानन तू एक विशिष्ट अभियान के तहत पैदा किया गया है, तेरा जन्म एक विशेष काम से हमने किया है, तुझे इस संसार से विष्णु को समाप्त करना है, देवत्व को मिटाना है, हिंसा तेरा उद्देश्य होना चाहिए, इतना रक्तपात कर लूट ले सारी दुनिया। मां ने सिखाया और देखते ही देखते वो बालक रावण बन गया। खूब पढ़ा लिखा योग्य था, ऋषि की संतान, वेद शास्त्र जीवा पे नाचते थे उसके, लेकिन दुर्गुणों का पुलंदा बना, समाज आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिन घरों में माता पिता अलग अलग आचरण और संस्कार से बच्चों का लालन पालन करेंगे उन घरों के बच्चे एक दिन रावण बन जाएंगे। और हम अपने घर में ऐसा कर रहे हैं। एक बालक और तैयार हुआ, वो भी राजा का बेटा था, उसका नाम था बजरंगी, राजा केसरी का बेटा, मां अंजनी का पुत्र। एक दिन मां अंजनी ने पूछा, बेटा बजरंगी तू प्रतिदिन शाम को बैठ के दूर कहीं देखता रहता है, कुछ खोया खोसा ऐसा रहता है, तू क्या चाहता है बेटा। तो वो छोटा सा बालक बजरंगी अपनी मां से कहता है कि मां एक बात बताइए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो मां कहती है तेरे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है बेटा बजरंगी, तुझे बड़ा होकर रामदूत बनना है, तेरे जीवन में राम आएंगे, 3 काम करते रहना, पुरुषार्थ करना, प्रार्थना करना और प्रतीक्षा करना। पुरुषार्थ का मतलब परिश्रम करना, प्रार्थना का मतलब भक्ति करना और प्रतीक्षा का मतलब धैर्य रखना। और वो बड़े होके हनुमान बने। एक मां क्या कर सकती है, ये उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। देखते ही देखते रावण जैसा योग्य बालक बर्बाद हो गया और हनुमान जी कहां पहुंच गए।
इसलिए मां अन्न धन जन और भगवान ये चारों आपको देगी। तो आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों पे नियंत्रण करना हो तो विशेष तौर पे माताओं से मेरा आग्रह है कि अन्न के माध्यम से उनको नियंत्रित करिए। मां के हाथ के बना हुआ अन्न और भोजन बच्चों पर बहुत प्रभाव डालता है। शिक्षा तो इन्हें कहीं भी मिल जाएगी, आप अच्छे से स्कूल में कॉलेज में इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, अब वैसा अवसर नहीं रहा, आप शिक्षा मिल जाती है, लेकिन संस्कार कहां से लाएंगे? और संस्कार केवल मां दे सकती है और मां भोजन के माध्यम से दे सकती है। याद करिए पहले जहां मां भोजन बनाती थी और बच्चे बैठ के खाते थे, आज भी आप में से कईयों को याद होगा मां जब रोटी बनाती थी सारी दुनिया चौके में उतर आती थी, जब वो तवे पे हाथ चलाती थी पूरी जिंदगी वहीं रुक जाती थी, न स्वाद उस आटे में था न रोटी में, मां तेरी हथेली से तू उसमें पूरा उतर आती थी, भुलाए नहीं भूलते वो दिन मां जब तू रोटी बनाती थी। क्या है, परमात्मा ने स्त्री को मां बना के वो नियामत दिए कि उसके हाथ से जब अन्न तैयार होता है तो उसमें से संस्कार निकलते हैं। इसलिए माताओं बहनों से मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आप भोजन पर अपना नियंत्रण रखिएगा, और ऐसा करने के लिए आप अपने बच्चों पे थोड़ा काम करिए, क्योंकि बाल मने भागता बहुत है, तो बालक को गुरु कहां से लाएंगे? तो मां पहली गुरु बनती है। यह प्रश्न तो खड़ा ही हो जाता ना, गुरु किसको बनाए? आजकल तो यह बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, किसको गुरु बनाए? क्योंकि पिछले 5-10 साल में जो स्थिति साधु संत और गुरुओं की हुई है, लोग बड़ा खतरनाक मानने लग गए गुरु बनाना, कैसे बनाएंगे? और गुरु वो है जो हमारे भीतर के आदर को अपनी ओर आकर्षित करे, वो गुरु है। किसी को देख के आपको आदर जागे ऐसा लगे, इसलिए रोज भगवान से प्रार्थना करिए कोई गुरु भेज दे, कोई गुरु भेज दे। तो माताएं बहनें एक काम करें, अपनी संतान को संस्कार का प्रभाव देने के लिए जब कभी अवसर आए 24 घंटे में थोड़ा सा समय दीजिए। हनुमान चालीसा से एक प्रयोग बता रहा हूं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र जिसका स्वभाव दुर्गुण इकट्ठे करना, फिर स्वादिष्टान हमारी नाभि के नीचे होता है, यहां निर्विचार है, यहां संकल्प बढ़ता है, फिर स्वादिष्टान में आके सज्जनों देवियों संतोष होता है, फिर अनाहत हृदय के चक्र का स्वभाव है निर्भयता, यहां है सहनशीलता विशुद्ध चक्र, दोनों बहों के बीच में जो चक्र है आज्ञा चक्र उसका स्वभाव है अक्रोध, और सहस्त्रार का स्वभाव है दूरदर्शिता। तो आप हनुमान चालीसा की किसी विशेष चौपाई को लीजिए, उस चक्र से उसको जोड़ दीजिए, आपको परिणाम मिलेंगे। जो माता पिता और खासतौर पर माताएं बच्चों पर काम करना चाहती हैं, वो अपने मणिपुर यानी नाभि पर ध्यान लगाएं, भीतर ही भीतर एकदम उतर जाएं और अपनी नाभि पर केंद्रित हो जाएं मणिपुर चक्र पर, फिर गहरी सांस लें और मानसिक जप करें हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई जो मैं आपसे बोल रहा हूं। आंख बंद कर लें सभी लोग, कमर सीधी, खासतौर पर माताएं बहनें अपना ध्यान नाभि पे लगाएं, और मैं बोलूंगा चौपाई, आप सांस के साथ इस चौपाई को चक्र पे लाइएगा, मणिपुर चक्र पे। विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर। मैं बोल रहा हूं लेकिन आप मानसिक जप करिए, और आप पाएंगे कि जैसे ही आप इस चौपाई को चक्र पे एकत्रित करेंगे, विद्यावान गुणीयति चातुर का मतलब जैसे आप विद्वान हैं, गुणवान हैं, चतुर हैं हनुमान जी महाराज, जैसे राम जी के काम करने को आतुर हैं, ऐसी ही हमारी संतान तैयार हो जाए। क्योंकि आज सारे काम आसान हैं, संतान का लालन पालन बहुत बड़ी चुनौती है, और
और एक भूल हम कर रहे हैं कि हम तो तेजी से दौड़ ही रहे हैं, पैदा होते ही बच्चों को इतना अव्यवस्थित, इतनी मारामारी में कुदा देते हैं, ये लक्ष्य, वो टारगेट, वो होमवर्क, वो स्कूल, घोर तनाव में आ जाता है बचपन। देखिए आपको घटना सुनाता हूं। एक आदमी को रेस कोर्स में घोड़ों पे दांव लगाने का शौक था, पैसा कमाता। उसकी एक जूली नाम की घोड़ी थी, हमेशा उस पे दांव लगाता और जीत जाता। उसने किसी को किस्सा सुनाया कि एक बार जूली प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने तब भी जूली को ही रेस में उतारा। प्रेग्नेंट जूली दौड़ी भी, और कमाल तो यह है कि दौड़ते समय उसको डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन जूली फर्स्ट आई। सबने का कमाल है, फिर सेकंड कौन आया? बोले उसका बच्चा। यही तो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, पैदा हुए नहीं दौड़ा दिया। अव्वल आने की चाहत बुरी नहीं है, लेकिन ये नशा बन जाए, दबाव बन जाए, तनाव बन जाए, और वो भी बचपन के लिए, ये ठीक नहीं है। आइए, तो पहला कदम है बचपन। हम बात कर रहे हैं चार कदम शांति की ओर, चार बाहर चार भीतर। बाहर की ओर पहला कदम बचपन का कदम ठीक उठ जाए, जीवन में अशांति नहीं आएगी सज्जनों देवियों। और भीतर के मामले में जब कदम उठाएं तो पहला होगा शरीर, शरीर से हमको आगे चल के मन, मन से हृदय, हृदय से आत्मा तक पहुंचना है। क्योंकि अधिकांश लोगों की यात्रा शरीर से शुरू होती है, जिंदगी भर शरीर पे ही खत्म हो जाती है। और जो लोग सिर्फ शरीर से चलेंगे और शरीर पे ही खत्म हो जाएंगे, वो जिंदगी में कभी शांत नहीं हो सकते। तो पहला कदम शरीर, पहला कदम बचपन। आइए दूसरा कदम उठाएं, और वो है जवानी। सभी को आती है, ये तो टच मी नॉट उम्र है। इसमें तन सक्रिय होना चाहिए और मन विश्राम में होना चाहिए। देखिए जवान लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि भाई जवान आदमी धर्म, अध्यात्म, भगवान, इन सब के चक्कर में क्यों पड़े, उन्हें समझ में भी नहीं आती इस उम्र में। जवान आदमी के लिए तो संसार ही सब कुछ है और संसार में दौड़ता रहता है। जरा इस बात को ठीक से समझिएगा कि संसार छोड़ना नहीं है। किसी गुरु, किसी भगवान ने यह नहीं कहा कि संसार छोड़ दो तब भगवान मिलेगा। भगवान को संसार छुड़ाना होता तो संसार बनाता ही क्यों। बात छोड़ने की नहीं, टिकने की है, कितना टिकना। देखिए एक ड्राइविंग सेंस होता है, आप में से जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको ये मालूम होगा। ड्राइविंग सेंस में ऐसा होता है सज्जनों देवियों कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी चलाते हुए आपके पास से निकल रहा होता है, आपको उसमें इंटरेस्ट होता है, फिर भी इंटरेस्ट नहीं होता। कौन सी गाड़ी है, कौन ड्राइविंग कर रहा है, कौन बैठा है, इससे आपको लेना देना नहीं, और अगर हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। आपका इंटरेस्ट इतना है कि आपकी सेफ ड्राइविंग हो जाए, वो भी निकल जाए। तो इसको कहते हैं देख कर भी अनदेखा करना। ये जो ड्राइविंग सेंस है ये पूरी लाइफ में उतर आए कि संसार को देख कर भी अनदेखा करना है। देखना है क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन ज्यादा देखेंगे तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो समय रहते जवानी में तन सक्रिय और मन विश्राम, इसका बोध जाग जाना चाहिए। संशय तो आता है, संदेह आता है, क्या जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्या किया जाए, ये सब होता है। चलिए श्री राम के जीवन की एक घटना सुनते हैं। जब ये फैसला हो चुका कि कल राज तिलक श्री राम को मिलने वाला है, तो राम अपने कक्ष में घूम रहे थे, तो सीता जी ने देखा, तो पूछा क्या बात है राघव, राज तिलक की सूचना आपको मिली और आप कुछ सहज नहीं दिखते हैं। तो श्री राम कहते हैं सीते सच बात में सहज नहीं हूं, हम चार भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ हम पले बढ़े, लेकिन राज तिलक मेरे अकेले का। तो सीता जी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, रघुवंश में बड़े पुत्र का राज तिलक होना स्वाभाविक है,
और सीता तो एक राज स्त्री थी, उनका तो सपना पूरा होने जा रहा था। किसी राज स्त्री को जीवन में रानी बनना मिल रहा है। तो राम कहते हैं, सीता बात केवल इतना नहीं है, जब विश्वामित्र मुझे और लक्ष्मण जी को लेके चले थे तो जंगल में हम विश्वामित्र जी के साथ गए थे। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगा था। सैद्धांतिक शिक्षा श्री राम गुरु वशिष्ठ से ले चुके थे और विश्वामित्र जी से उनकी व्यावहारिक शिक्षा आरंभ हुई थी, प्रैक्टिकल लाइफ। तो विश्वामित्र जी ने राम को बताया था कि ये पहाड़ देखते हो, तो राम ने पूछा ये कैसा पहाड़ है, तो विश्वामित्र जी ने कहा ये ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर का पहाड़ है, राक्षस हमें चैन से नहीं रहने देते, न यज्ञ करने देते हैं, न तप न पूजा, हमारी स्त्रियों को जब चाहे उठा लेते हैं, मनुष्य तो कीड़े मकोड़े बन गए, मनुष्य के बच्चों को एक पैर पे पैर रख के दूसरे हाथ से बीच में से चीर देते हैं। राम तुम तो राजमहल में रहते हो दशरथ के राज में, लेकिन वहां दशानन रावण का राज चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। तुम्हें मैं अपने साथ इसलिए लाया हूं कि समय आए और जब सत्ता का अधिकार तुम्हारे पास आए तो तुम्हें रावण का राज समाप्त करना है। और एक बात ध्यान रखना, कुछ दुष्ट सत्ताएं केवल सत्ता पे बैठ के समाप्त नहीं हो सकती, वो युद्ध से समाप्त नहीं हो सकती, उसके लिए जन जागृति करना है। और उस दिन श्री राम और सीता जी के बीच में जो ये घटना चल रही थी, इसको संशय की एक रात कहते हैं। तो राम अपनी पत्नी से कहते हैं, सीते मुझे वो बात याद आती है, मुझे जन जागृति करना पड़ेगी रावण का विनाश करने के लिए, तो मुझे ये राजगादी छोड़ना पड़ेगी। तब सीता कहती है, आपने कर्तव्य की बात कह दी और आप चल दिए, मेरी भावनाओं का क्या कहा। और पति पत्नी के बीच स्त्री पुरुष के रूप में कर्तव्य और भावना की झंझट वर्षों से चली आ रही, लेकिन राम ने समझाया, सीता तुमने मेरा चयन किया है, मैं तुम्हारा पति हूं, तो एक बात तुम्हें जीवन भर याद रखना पड़ेगी कि कुछ लोगों को परमात्मा कुछ विशेष अभियान के लिए चुनता है, मुझे एक विशेष अभियान करना है सीता, मेरे जीवन के लक्ष्य कुछ और है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सहभागिनी हो, तुम्हें मेरा साथ देना है। और सीता ने स्वीकार किया। ये संबंध समझ से चलते हैं, ये तो होगा। तो जवानी में ये घटना कि अपना मन, अपने विचार, अपने निर्णय दूसरों पे कितने थोपे, दूसरा कितना स्वीकार करे। तो सीता और राम के रिश्ते ऐसे थे सज्जनो देवी, इसलिए हमको तन सक्रिय और मन विश्राम में रखना है, क्योंकि मन विश्राम में होगा तो हम आक्रामक नहीं होंगे, क्रोध में नहीं होंगे। अभी तो हमारा सारा जीवन दूसरों से संचालित होता है। जरा देखिए ना, ड्राइवर जैसे चाबी स्टार्ट करता है ना, गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो जाती, ऐसे ही दूसरे ने एक संवाद बोला और हम आवेश में आए, दूसरे ने कुछ कहा और हम एकदम आक्रोश में आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा हमें स्टार्ट कर देता है, हमारा अपना क्या कंट्रोल है। इसलिए जब जीवन साथी में मतभेद होता है तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ जाएं, भीतर उतरें और मणिपुर यानी यहां नाभि पे ध्यान लगाएं दोनों, क्योंकि मणिपुर क्या है, संतोष का चक्र है, यहां संतोष जागता है। और दोनों एक साथ बैठ के हनुमान चालीसा को याद करें, या जीवन साथी जब एक साथ बैठ जाएं और एक दूसरे के भीतर का चिंतन आरंभ करें और सारा ध्यान मणिपुर पे लगाएं, आप पाएंगे कि आपको अचानक एक समझ का स्तर बढ़ता दिखेगा। और पति पत्नी में यदि समझ बन जाए तो फिर विवाद ही समाप्त हो जाए। इसलिए पति पत्नी को अपने भीतर एक समझ पैदा करना पड़ेगी। गुरु उसी समझ का नाम है सज्जनो देवियों, गुरु उसी समझ का नाम है। गुरु हमारी क्या करता है, हमारी समझ को उत्तेजित करता है। इसलिए जीवन में जवानी में समय रहते किसी ना किसी गुरु से जरूर जुड़ जाइए सज्जनो देवियों। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक प्रयोग करिएगा। आपके पास समय नहीं हो मेडिटेशन करने का, आपको ऐसा लगता हो कि कैसे किया जाए,
टाइम नहीं है, क्योंकि मुझसे कई लोग जुड़े हैं जो कहते हैं बाकी सब समय ही नहीं। तो जब आप सोने जाया करें, भाई सोएंगे तो सही, कितने व्यस्त हो, तो सीधे कभी ना सो जाए। मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रहा हूं, जैसे अपने पलंग पे जाएं उसके पहले 3 स्टेप खड़े होके करना है, 3 बैठ के। पहली, पैर नीचे से चिपका लें बिल्कुल पंजे भी, फिर सीधे खड़े हो जाएं, फिर ऐसे हाथ जोड़ लें। अब आपकी बॉडी पूरी एक, और अपना सारा ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे लगाइए, मूलाधार चक्र पे खड़े हैं आप, आंखें बंद हैं, हाथ सीधे जोड़े, पैर नीचे से चिपके, अब सांस लीजिए। तो आप देखेंगे कि भीतर से आपके भीतर एक वाइब्रेशन चल रहा है, आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही भीतर से और बाहर से भी। आप महसूस करेंगे आप हिल रहे हैं, ये वाइब्रेशन वो दिन भर का है, इसको रोकना है। हम भीतर से इतने कंपित हैं और सो जाते हैं, तो इसीलिए शांत उठ नहीं पाते। नींद में जाने के पहले तैयारी करना पड़ेगी ना, तो ये पहली स्टेप, अपना कंपन मिटा दें। उसके बाद निढाल हो जाए। निढाल होने का मतलब ये कि ये हाथ जो आपने जोड़े नीचे छोड़ दीजिए और एकदम लटक जाए, ऐसे ढीले हो जाए जैसे कपड़े को गीला करके निचोड़ के अभी अभी हैंगर पर टांग दिया, एकदम लटक जाए, सारी ऊर्जा नीचे गिर रही है, बिल्कुल ढीले हो गया। और ऐसे ही ढीलेपन में अब रोम रोम में सांस भर दीजिए, गहरी सांस लीजिएगा अपने ही बेडरूम में खड़े खड़े, और सांस ऐसे लीजिए कि रोम रोम में चली गई, हर अंग में आपने प्राणवायु भर दी। ये 3 स्टेप हो गई, पहला कंपन मिटाया, फिर निढाल हुए, फिर रोम रोम में सांस भरी। अब बैठ जाइए, चाहे पलंग पे बैठ जाए, चाहे अपने बेडरूम में किसी कुर्सी पे बैठ जाए। और उसके बाद जब बैठ गए आप, तो आपको भ्रामरी जैसा करना है, इसमें होंठ बंद रहेंगे, आंखें बंद हैं, हाथ नीचे हैं, उच्चारण ही गुंजन करना इस तरह से, चार पांच छह सात जो जितना समय आपके पास, इतने स्ट्रोक्स दीजिए। अब आपका जो ये तंतु का सिस्टम है, ब्रेन का, ये थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है। फिर आपको करना है त्राटक, बैठे बैठे की दूसरी स्टेप। त्राटक का मतलब सामने कोई एंगल रख लें, अगर अपने बेडरूम में कोई मोमबत्ती जला लें और सारा ध्यान मोमबत्ती पे रखें, मोमबत्ती ना हो तो कोई भगवान का चित्र, माता पिता का चित्र रख लें और ध्यान से उसको देखें, और पलकों को बहुत धीरे धीरे बंद करें, ऐसे बंद करें जैसे वो प्रकाश पलकों से उठा रहे हैं। उठाया, पलक बंद की और उस प्रकाश को दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पे लाके रख दिया। फिर सुन लें, सामने आपका टारगेट है प्रकाश, पलकों को बंद करके उसको उठाया वहां से, कल्पना करना है, और यहां रख दिया, और दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पे उस प्रकाश को महसूस किया। धीरे धीरे वो प्रकाश डिसअपीयर हुआ, फिर पलकों को खोला, फिर उस प्रकाश को लिया, फिर पलक बंद करके प्रकाश दोनों भौहों के बीच में लाए। 3-4 बार करिए। आज्ञा चक्र अक्रोध का चक्र है, क्रोध गिरा, पूरी तरह से शांत हुए। सोने के पहले शांत होना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद बैठे बैठे की तीसरी स्टेप, ओंकार नाद करना। इसमें ओम का उच्चारण ऐसे करना है, अ उ और म। अ उ बोलते समय होंठ खुले रहेंगे और 20% टाइम देना है, और म बोलते समय होंठ बंद रहेंगे और 80% टाइम देना है। देखिए मुझे, तीन चार बार इसको स्टेप को किया आपने, ये ओंकार नाद है, और फिर हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करके सो गए। सोते समय ध्यान रखिए, कभी भी पीठ के बल सीधे न लो बिस्तर पे, हमेशा लेफ्ट कंधे से झुके, आधा मिनट।
कुछ सेकंड लेफ्ट कंधे पे रहे और फिर सीधे हो, आप सो जाइए। ये जो मैंने सोने का मेडिटेशन आपको बताया, ये इसीलिए बताया सज्जनों देवियों कि हम अशांत आते हैं दिन भर के और अशांत सो जाते हैं। शांति आपको आपके भीतर ढूंढना है। एक बार एक राजा एक फकीर के पास गया और उस फकीर से पूछा कि मैं आपसे जानना चाहता हूं स्वर्ग क्या होता है। फकीर को तो मालूम था राजा है, बहुत पढ़ा लिखा है। तो फकीर ने कहा, अजीब मूर्ख हो, राजा किसने बना दिया तुम? बिल्कुल बेवकूफ तरीके सवाल करते हो। राजा का धैर्य छूट गया कि मैं पूछ रहा हूं इनसे स्वर्ग में क्या होता है, ये मुझे मूर्ख बोल रहे हैं इतने लोगों के सामने। बात अपमान की नहीं थी, पर बात थी कई लोगों के सामने अपमानित होना पड़ रहा है। राजा को लगा निकालू तलवार, पर ठीक है, बोले फकीर है। तो फिर पूछा, मैं आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूं। तो फकीर ने कहा, एक नंबर के मूर्ख हो, कैसे राजा बन गए आप? तो राजा ने निकाल ली तलवार और राजा ने कहा कि मैं आपको महात्मा समझकर सम्मान कर रहा हूं, आप मुझे बार बार मूर्ख बोल रहे हैं, बेवकूफ बोल रहे हैं, गधा बोल रहे हैं, ये क्या है? उतारता हूं गर्दन आपकी। और जैसे ही उसने तलवार उठाई, उस फकीर ने कहा, राजा आप पूछ रहे थे ना स्वर्ग नर्क क्या है, तो ये नर्क है। एकदम से राजा को लगा यही नर्क है, इसी अशांति, इसी आवोश और इसी आक्रोश का नाम नर्क है। राजा ने यह बात सुनी तो तलवार म्यान में रखी और जैसे ही म्यान में रखी कि फकीर ने कहा, यही स्वर्ग है, आपका शांत होना, आपका प्रेम पूर्ण होना, आपका क्षमाशील होना। इसलिए सज्जनों देवियों, आपसे आग्रह कर रहा हूं, जवानी में थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। हम जवानी में अपनी ही बातों को अपने ही ढंग से उलझते रहते हैं। देखिए, एक हनुमान जी का भक्त था, पति पत्नी में हो गया झगड़ा। आदमी का नाम था मांगीलाल, उसकी पत्नी का नाम था चंचला। तो मांगीलाल ने विचार किया कि चंचला से झगड़ा हो गया तो चंचला का मुंह नहीं देखना, चलो इससे दूर चले। और मांगीलाल घर से निकला और सोचा बस में बैठो, चंचला का मुंह तो नहीं देखना। और जैसे ही बस में बैठने के लिए तैयार हुआ कि एक आवाज आई, चढ़ मत जा। मांगीलाल उतर गया, नहीं चढ़ा, इधर उधर देखा और देखा तो वो बस थोड़े आगे गई और उसमें बम ब्लास्ट हो गया। तो मांगीलाल ने कहा, बच गई तो, लेकिन चंचला का मुंह नहीं देखना, चलो ट्रेन पकड़ते हैं। बैठा ट्रेन में, ट्रेन आगे गई, ट्रेन चलने को ही थी और मांगीलाल बैठने को था और आवाज आई, चढ़ मत जाना, उतर गया। ट्रेन चली गई, दो घंटे बाद खबर आई, एक्सीडेंट हो गया, मांगीलाल ने कहा बच गए, लेकिन चंचला का मुंह नहीं देखना। एरोप्लेन में बैठ गया, हवाई जहाज में बैठने को था और आवाज आई, चढ़ मत जाना। तो मांगीलाल एकदम उतर गया, खबर आई प्लेन क्रैश हो गया, मांगीलाल ने कहा बच गए। तुरंत हनुमान जी के मंदिर पहुंचा और जाके कहा, बाबा बजरंगबली आज तो तीन तीन बार बच गया, पता नहीं कौन ने कहा चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना, मरते मरते बचा। तो हनुमान जी ने कहा, अरे मांगीलाल ये आवाज मेरी ही थी, मैं ही तुझे बार बार कह रहा था चढ़ मत जाना। और मांगीलाल ने कहा, ये आपकी आवाज थी, वही मैं सोच रहा। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा, आपने मुझे बचाया ये कह के चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना? हाँ, बोले मैंने ही बचाया। हनुमान जी को लगा अब कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद चढ़ाएगा। तब मांगीलाल ने कहा, हनुमान जी महाराज ये आप बोल रहे थे चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना? हाँ, बोले मैं बोल रहा था। तो मांगीलाल ने कहा, फिर उस दिन आपका क्या गला खराब हो गया था हनुमान जी, जिस दिन मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था? तो हम तो भगवान से भी ऐसे उलझ जाते हैं। तो थोड़ा जवानी में धैर्य रखिए, प्रेम रखिए, समझ रखिए और आइए अब चलते हैं चार कदम शांति की ओर। इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा तीसरा कदम है प्रौढ़ता। देखिए, हम पहला कदम बचपन, दूसरा कदम जवानी, तीसरा कदम प्रौढ़ता, ये बाहर के कदम है। और भीतर के पहला कदम शरीर, दूसरा कदम था हमारा मन। जवानी में मन का मामला बहुत है और अब हमको आना है प्रौढ़ता के माध्यम से तीसरा कदम भीतर का हृदय। सज्जनों देवियों, प्रौढ़ता वो उम्र होती है जब अभी अभी आपकी जवानी जा रही होती है और बुढ़ापा आ रहा होता है। इस समय आप मां बाप बन गए होते हैं और आपके मां बाप जीवित होते हैं।
अपने वरिष्ठ, अपने बुजुर्गों के प्रति आपके दायित्व आपको पकड़ रहे होते हैं और नई पीढ़ी आपको अपनी ओर खींच रही होती है। संस्कारों का स्वाद आपके भीतर होता है और नए युग परिवर्तन के दौर से भी आप जुड़े हैं। ये घोर मंथन का समय है। आप थोड़े थक भी रहे होते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो रही होती है, शरीर थोड़ा थोड़ा साथ छोड़ रहा होता है। ऐसे समय समझ काम आएगी। ऐसे समय आपको ये प्रयोग करना पड़ेंगे कि समझ का क्या परिणाम है। एक घटना सुनाता हूं। श्री राम को जब वनवास की सूचना मिली तो राम ने सोचा, बाकी सबको तो समझा लूंगा, बता दूंगा, पर मां कौशल्या को कैसे समझाऊंगा। तो भारी कदमों से राम कौशल्या की ओर चले और मां कौशल्या उस दिन भगवान शंकर का अभिषेक कर रही थी। बहुत प्रसन्न थी कौशल्या। कौशल्या बहुत संकोची स्त्री थी। ऐसा कहते हैं कि कौशल्या जी ने अपने पति दशरथ जी से कभी कुछ नहीं मांगा था। एक बार तो दशरथ जी ने कहा था, कौशल्या मुझे याद नहीं आता कि हमारे दाम्पत्य जीवन में तुमने कभी कुछ मुझसे मांगा हो। पत्नी का, अर्धांगनी का अधिकार होता है कि वो अपने पति से, अपने सौभाग्य से कुछ मांगे। मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम कुछ मांग लो। तो कौशल्या कहती है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आपसे एक बात मांगती हूं। मेरा बेटा राम इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी ठीक से राम को निहारा नहीं, छुआ नहीं, क्योंकि राम हमेशा केकई के महल में रहते थे, केकई उनको उठा के ले जाते। और कौशल्या इतनी संकोची थी कि कह भी नहीं पाती थी। तो कौशल्या कहती हैं कि मैंने कभी अपने राम को ठीक से छुआ नहीं, जिस दिन वो राजा बने उसका श्रृंगार मैं अपने हाथ से करना चाहूंगी, मैं आपसे निवेदन मांग रही। दशरथ जी चौंक गए, कौशल्या ये क्या कह रही हो? और तब उन्होंने कहा, राम जिस दिन राजा बनेगा उसका श्रृंगार कौशल्या तुम अपने हाथ से करोगी। और वो घड़ी आ गई। कौशल्या बहुत प्रसन्न थी, आज राम आएगा, मैं उसका श्रृंगार करूंगी, मेरा राम इतना बड़ा हो गया, मैं कभी उसको देख नहीं पाई। और जब राम आए तो कौशल्या दौड़ी, राम इतना विलंब कर दिया, चलो बैठो मैं तुम्हारा श्रृंगार करती हूं। राम को तो सूचना मिल चुकी थी। तब राम कहते हैं, मां मेरी बात सुनिए। कौशल्या कहती है, आज किसी की बात नहीं सुनूंगी। राम देख, मैंने तुझे कभी ठीक से नहीं छुआ, और जैसी राम के सिर पे हाथ फेरती है कभी गाल छूती है। तब कौशल्या कहती है, तू इतना बड़ा हो गया राम? और राम कहते हैं, मां मेरी बात तो सुनिए। हाथ पकड़ लिया मां का, एक बार मेरी बात सुन लीजिए मां। और कौशल्या कहती है, बोल क्या बात है? जो शब्द उस दिन राम ने कहे, मुझे लगता है इस संसार में वो राम जैसे व्यक्तित्व ही कह सकते हैं। उस दिन तो लगता है तुलसी की कलम भी रोती। राम अपनी मां से कहते हैं, मां पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन का मतलब होता है जंगल। राम ये नहीं कहते कि मां मुझे वनवास मिला है, वो कहते हैं भरत को अयोध्या का राजा बना दिया पिताजी ने और मुझे जंगल का राजा बना दिया है। ये होता है, देखने की दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाती है, राम कह सकते हैं। और जैसे ही राम ने कहा, कौशल्या समझ गई और कहती, कौन उठा अवध में जिसने ये निर्णय बदलाया राम? तब राम कहते हैं, मां की कई की आज्ञा है, तो बोलती क्या है कौशल्या, सुनिए। कौशल्या कहती है, यदि पिता की आज्ञा होती तो मैं वचन बदला देती, पर मां की आज्ञा है तो तू जा बेटे, मेरा आशीर्वाद है, 100 अवध के बराबर तेरे लिए एक जंगल होगा, तू जा। सोचिए सज्जनों देवियों, यदि उस दिन कौशल्या खड़ी हो गई होती और कहती, कौन होती है केकई, चल मैं चलती हूं, तो जिस रघुवंश को हम आज घर घर पूज रहे हैं, ये रघुवंश यूं नहीं पूजाता, एक औरत के त्याग ने इस रघुवंश को घर घर पूजा दिया, वो है कौशल्या जी।
और इन्हीं के सामने सीता जी आ गई। राम ने कहा सीता वन जाना है, सीता जाना चाहती थी और कौशल्या जी ने कह दिया सीता राम तो वन जा रहा है पर तुम हमारे पास रुक जाओ सेवा करने। अब बड़ी कठिनाई, सास बेटा और बहू इस त्रिकोण ने कई घर तोड़ दिए, लेकिन कौशल्या समझ गई सीता जाना चाहती है। सीता ने भी कहा पेय वियोग सम दुख जगमा नाही। तीनों अपनी अपनी समझ से एक एक कदम पीछे हटे और रघुवंश का निर्णय मान्य हो गया। देखिए जीवन एक सहयोग का नाम है सज्जनों देवियों, हमें समझना पड़ेगा। राम भी समझ रहे, कौशल्या भी समझ रही, सीता भी समझ रही है। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है सोच समझ के बनाया है, आपके देखने की दृष्टि है। अगर आप यूं कहते हैं कि एक दिन के आगे और पीछे दो रात है तो आपके जीवन में अंधकार ज्यादा है, आपके हाथ में अंधेरा ज्यादा आएगा। जब आप ये कह रहे हैं कि दिन एक और आगे पीछे रात है तो अंधेरा ज्यादा होगा। और इसी को यूं भी कह सकते हैं कि एक रात के आगे पीछे दो दिन है, लीजिए उजाला ज्यादा आ गया जिंदगी में। तो ये सारा समझ का मामला है। तो चलिए सज्जनों देवियों, प्रौढ़ता के साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूं, मैं बीच बीच में आपको ध्यान मेडिटेशन की ओर आग्रह करता हूं, और वो इसीलिए करता हूं कि शांति की और यदि कदम उठाना है तो भीतर उतरना ही पड़ेगा, और ध्यान अपने भीतर उतरने की क्रिया है। और मुझसे जुड़े ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पंडित जी सब है समय नहीं है, तो मैं कहता हूं चलिए भाई सोएंगे भी सही और उठेंगे भी सही। सोएंगे ना सही आप, तो सोने की एक क्रिया मैंने आपको बताई 7 स्टेप की थी, चलिए उठने की भी बताता हूं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब उठने की तैयारी है, हालांकि आजकल घरों में खुद से उठने वाले लोग ही खत्म हो गए, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना 5-10 साल बाद भारत के घरों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो जब आपको लगे कि आप उठने वाले हैं तो कभी सीधे ना उठिए, पलंग पे थोड़ी देर लेटे रहिए और शैया स्नान करिए। शैया स्नान का मतलब गहरी सांस मस्तक से ले, मुंह पे आए, छाती पे आए, पेट पे आए, भीतर ही भीतर जांघ पे आए, घुटने पे आए और पैर से बाहर निकलना है, ये करना है। ऊपर से सांस भीतर ही भीतर लेके नीचे उतारना, जैसे पानी का लोटा डाल के नहाते हैं। अभी आप लेटे हैं पीठ की बाई और सांस लेके भीतर ही भीतर सारी इंद्रियों को धो रहे हैं, इसको कहते हैं शैया स्नान। अब आप फ्रेश हो गए, जो काम आप अभी पलंग छोड़ के शरीर के साथ करेंगे वो काम भीतर के साथ शरीर के साथ करा रहा हूं, इसका नाम ध्यान है। देखिए उठना तो है सज्जनों देवियों, पर थोड़ा ड्रिल से जोड़ दे तो एक्स्ट्रा समय भी नहीं देना और मेडिटेशन भी हो जाएगा। तो पहले स्टेप शैया स्नान, फिर अपने लेफ्ट साइड मुड़े, एकदम ना उठे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड रुकें, फिर सीधे बैठे, फिर पैरों को पलंग से नीचे लटका लें, जैसे अभी हम कुर्सी पे बैठते हैं, पैर के नीचे नंगे पैर ना, जमीन और आपके बीच में कोई ना कोई कपड़ा हो। और अब आप नवजात बन रहे हैं, दूसरी स्टेप। जैसे छोटा बच्चा जब उठता है तो मां से चिपक जाता है, ऐसे ही हमारी मां है धरती मां, खूब ऊर्जा है उसमें। तो गहरी सांस, अभी आप जब नहाए थे ना शैया स्नान किया तो ऊपर सिर से नीचे तक सांस लाए, अब इसमें उल्टा करना है। अब आप सांस लेंगे गहरी और कल्पना करिए कि नीचे से खींची तो पृथ्वी से ऊर्जा आपने पंजे में ली, घुटने में ली, जांघ में ली, पेट में ली, छाती में ली, कंठ पे आई, होठ पे आई, नाक बाहर निकाल दी। अब आप ऊर्जा मांग रहे पृथ्वी से, मां हम तुम्हारे बच्चे हैं, अब हम संसार में निकल रहे हैं, आपकी ऊर्जा की जरूरत है। और तीसरी स्टेप, सीधे अपने वॉशरूम में गए और आईने के सामने खड़े हो जाइए, ब्रश करने के पहले एक बार अपनी आंखों में आंख डाल के देखिए। जो इस अभ्यास को करेंगे उनको महसूस होगा एक हफ्ते में ही कि आईना कोई और है और आप कोई और हैं, और आप जिसको देख रहे हैं वो कोई और है। बस यहीं से आत्मा और शरीर का भेद शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ी देर अपने से बात करिए, क्या इरादा है, और मैं तो कहता हूं थोड़ा सा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए ना भाई, शांति की ओर जिन्हें कदम उठाना उनको मुस्कुराना जरूर आना चाहिए, एक बार जरा मुस्कुराइए।
बहुत अच्छे। और फिर अपने से वार्ता करके बाहर निकल आए और तब देव दर्शन करें आपका जो मंदिर का स्थान हो। तो सज्जनों देवियों, प्रौढ़ता इस समझ का नाम है। उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, शांति की ओर कदम उठाना, थोड़ा शांत हो जाइए, बहुत जी लिए, तेरा मेरा बहुत हो गया, इससे बदला, उसका नुकसान, हमारे साथ उसने ऐसा किया, छोड़ दीजिए। देखिए, एक आदमी को कुत्ते ने काट खाया, और डॉक्टर ने इलाज किया और डॉक्टर ने कहा कि देर हो गई, कुत्ते का रेबीज वाला जहर अपना काम कर रहा है। तो क्या होगा? बोले अब आपको रेबीज की बीमारी हो जाएगी। उसमें क्या होगा? बोले आप भी कुत्ते की तरह लोगों को काटेंगे। तो वो आदमी को सोचता रहा, डॉक्टर को लगा कि बात तो बुरी पर कहना पड़ रही है। तो उस आदमी ने कहा, एक कागज पेन दीजिए डॉक्टर साहब, और कुछ लिखने लगा। तो डॉक्टर को लगा, देखो मैंने इतनी गंभीर बीमारी के बारे में बताया तो शायद वसीयत लिख रहा होगा बच्चों के नाम या कोई खत। पूछा, क्या लिख रहे हैं? बोले कुछ नहीं, लिस्ट बना रहा हूं। उन्होंने कहा, क्या लिस्ट बना रहे? बोले जिन जिन को काटना उनकी लिस्ट बना रहे। अब देखिए आप, आदमी जब बदले की भावना पर उतर आए, अहंकार क्रोध में डूब जाए, तो कभी शांत नहीं हो सकता। बहुत कर लिया ना, अब जरा प्रौढ़ता से चल रहे हैं। और इंसान को कितना नाम दाम चाहिए। खुशी इस बात की नहीं कि हम मशहूर हो गए, गम इस बात का है कि अपनों से दूर हो गए। अब आप धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर चल रहे हैं, अकेलापन, धीरे धीरे सब साथ छोड़ जाएंगे। सज्जनों देवियों, चौथा और अंतिम कदम बाहर की ओर बुढ़ापा है, और भीतर की ओर आत्मा है। हम शरीर से चले, मन से गुजरे, हृदय से आए, और अब हमें आत्मा की ओर आना है। बुढ़ापे का सूत्र है समर्पण। समर्पित हो जाइए स्थितियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परमात्मा के प्रति, परिवार के प्रति। बुढ़ापे में अकेलापन बहुत काटता है, और अगर बुढ़ापे में जीवन साथी पहले चला जाए तो ये धरती नरक लगती। अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला का नाम अध्यात्म है, योग है, धर्म है। बुढ़ापे को सींचना पड़ता है। हमारे घर में यदि कोई वृद्ध व्यक्ति हो तो आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा समय दीजिए बुढ़ापे के लिए। सबको आना है बुढ़ापा। आज जो बूढ़े कल जवान थे, आज जो जवान है कल बूढ़े, उन्हें तो है जवानी जो जाके ना आए, बुढ़ापा जो आके ना जाए, आना है सबको। चीन की एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बूढ़ी माँ बीमार हुई, उसका बहुत अच्छा बगीचा था, बागवानी करके बड़े सुंदर फूल खिला रखे थे, पर बीमार हो गई तो चिंता हुई कि फूलों की देखभाल कौन करेगा। तो अपने बेटे से कहा कि तू मेरे फूलों की देखभाल कर लेना, मेरी बगीची की। उसने कहा ठीक है माँ, और उसने बहुत अच्छे से करी देखभाल। प्रत्येक फूल को धोता, उस पर खाद डालता, पानी डालता। एक महीने बाद जब माँ ठीक हुई तो देखा सारे फूल मुरझा गए। तो बेटे से कहा ये तूने क्या किया? तो बेटे ने कहा आप जो आपने कहा, मैंने सारी देखभाल करी फूलों की। तब माँ ने कहा अरे बेटा, तू रोज फूल धोता, फूल पे खाद डालता, पानी डालता, लेकिन तूने सब ऊपर ही ऊपर किया, तूने पेड़ की जड़ में तो कुछ डाला ही नहीं। और पेड़ अपनी जड़ से जाना जाता है, वो जो फूल है, वो जो सुगंध है, वो जो खूबसूरती है, वो जड़ से है। और बुढ़ापा हमारे परिवार के जीवन की जड़ है। इसलिए हमारे घर में वृद्ध लोग हों तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सज्जनों देवियों, उस जड़ को मजबूत रखिएगा, और नहीं तो यहीं चूक जाएंगे। थोड़ी तैयारी तो करना ही पड़ती है, बुढ़ापा भी एक तैयारी का नाम है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, सामने वाले की कमजोरी, कितने योग्य हो सामने पर कोई ना कोई कमजोरी आप पकड़ लो और अपनी योग्यता को जोड़ लो, आप जीत जाओगे। 14 साल लगाए थे श्री राम ने रावण को पराजित करने में, क्यों? तैयारी की थी 14 साल। रावण जैसी बुराई दिनों में नहीं मरती। तो हम बुढ़ापे के साथ कुछ रावण, कुछ दुर्योधन लेके चल रहे हैं, तैयारी करना पड़ेगी। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में एक प्रयोग करिए, जैसे जैसी उम्र बढ़े ना तो कमर सीधी रखिएगा, और अनाहत चक्र है, हृदय के चक्र, लेफ्ट हैंड, यहां ध्यान रखिए, यह निर्भयता का चक्र है।
और हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई को इस चक्र से जोड़िए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसा करिएगा मानसिक जप, आप पाएंगे बुढ़ापे के प्रति जो उदासीनता आती, थकान आती है, एक अज्ञात भय सताता है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। इस अभ्यास को लगातार करिए। मैंने कहा ना, 7 चक्र हैं और कुछ चौपाइयां उससे जोड़ दीजिए। और इसीलिए कहता हूं हनुमान चालीसा से मेडिटेशन जरूर करिए, सारी दुनिया में कराता हूं। एक सांस भीतर लें और चौपाई को भीतर लाएं, दूसरी सांस बाहर चौपाई बाहर। इससे आप थॉटलेस ब्रीदिंग करेंगे, विचार शून्य सांस ली कि मन निष्क्रिय हुआ और आप शांत हुए। इसलिए कह रहा हूं बुढ़ापे की तैयारी आप ही को करना, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है सज्जनों देवियों। मैं बात को पूरी करने जा रहा हूं, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, ईमेल पे आ सकते हैं और वो विधि पूरी ले सकते हैं जो मेडिटेशन की विधि मैं कराता हूं। लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगी जब चौथा और अंतिम कदम उठता है बुढ़ापे का। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बुढ़िया बाजार में लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ। बुढ़िया बाजार में लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ, और गौरी का झुमका क्या गिरा, सारा बाजार घुटने पे आ गया। तो बस मैं आपसे कहना चाहूंगा, 4 कदम हमने बाहर उठाए, बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापा। शांति की ओर 4 कदम भीतर उठाइए, शरीर, मन, हृदय और आत्मा। 4 पहर हैं, 4 ही पुरुषार्थ हैं, हमारे ही हाथ में है सज्जनों देवियों। हर हाल में शांत होना है। आज मनुष्य के पास धन दौलत वैभव संपत्ति की कमी नहीं है, पर अशांति घेर रही है। हम मनुष्य हैं और शांत होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं अपने जीवन में कोई गुरु बनाइए, कोई गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र को सांस से उतारिए। और कोई गुरु न मिले तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मैं तो जीवन प्रबंधन समूह का छोटा सा विद्यार्थी हूं। जीवन प्रबंधन समूह का उद्देश्य है, हम 5 महापाठ करते हैं सारे देश दुनिया में। रामनवमी के दिन 1 महापाठ करते हैं हम रायपुर से, शाम को 6:30 से 8 तक लाइव टेलीकास्ट होता है आस्था चैनल, तिथि नोट कर सकते हैं। दूसरा करते हैं हम इंदौर से रक्षाबंधन के 1 दिन पहले, उसका भी आस्था पे लाइव टेलीकास्ट आता है। तीसरा हम करते हैं जयपुर से दशहरे के 1 दिन पहले, आप उसको भी देख सकते हैं। और चौथा करते हैं हम 31 दिसंबर को डोंबिवली से, और 5वां 12 जनवरी विवेकानंद जयंती के दिन रांची से। और अब कुंभ में एक कोर्स चलाएंगे 22 अप्रैल से 21 मई 2016 उज्जैन में। आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे ईमेल पे आ सकते हैं डिटेल लेने। उद्देश्य जीवन प्रबंधन समूह के 5 हैं। हनुमान चालीसा मंत्र बने, हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों, हनुमान जी माताओं और बहनों के जीवन में उतरे, पूजा पाठ से पाखंड मिटे, और कथाएं तो बहाना है, हमें तो सिर्फ परिवार बचाना है। परिवारों में शांति होना चाहिए, जीवन में शांति होना चाहिए। तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आपको इतनी शक्ति दे, इतनी मस्ती दे कि जहां कहीं भी शांति उपलब्ध हो हासिल जरूर करिए। और बहुत सरल तरीका है, जरा मुस्कुराइए। तो हम फिर कभी ऐसे ही मिलेंगे, तब तक के लिए जरा मुस्कुराइएगा, फिर यहां से जाइएगा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।